आप सभी को मेरे YouTube चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। देखिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ गई है कक्षा 10वीं और 12वीं जैक से रिलेटेड कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो अगले 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा और वहीं 12वीं का जो रिजल्ट है कॉमर्स और साइंस का वो अगले 5 दिनों में पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल जैक की तरफ से न्यूज़ आई है। तो चलिए हम इस वीडियो में पूरी आपको न्यूज़ आपको बतलाते हैं कि क्या है पूरी न्यूज़ और कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि रिजल्ट आए तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट 10 तक आएगा, ठीक है, मतलब 10 जुलाई तक आपका मैट्रिक का जो है रिजल्ट वो आ जाएगा। ये जो न्यूज़ है स्टूडेंट वो जैक की तरफ से निकाली गई है, जैक रांची की तरफ से पूरी ऑफिशियल न्यूज़ है। आप चाहे तो आप अपने जो आज का न्यूज़पेपर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये न्यूज़ है या नहीं। तो फिर चलिए आप देखते हैं आगे क्या है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी कर देगा, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट, 10th का जो रिजल्ट है, 10th मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई तक कम्प्लीट पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि 10 जुलाई तक मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। 10 तारीख तक तो जो है वो इसका जैक के अध्यक्ष ने बता दिया है कि वो 10 तारीख तक रिजल्ट जो 10th क्लास का है वो जारी कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद दूसरे चरण में इंटर साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। पहली चरण में जो है आपका 10th रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा 10 तारीख तक, और 15 तारीख के अंदर आपका जो दूसरी चरण में है इंटर साइंस, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो अगले 15 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए आगे क्या है वो हम बता देते हैं। दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ प्रकाशित नहीं होगा। आपको पता ही होगा एक साथ प्रकाशित अगर कर दिया जाएगा तो साइट बहुत तरह से स्लो हो जाता है, एक साथ बहुत कोई ट्राई करते हैं तो साइट हैंग होने लगते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपके हम शॉर्ट लिंक प्रोवाइड करें और डायरेक्टली आप रोल कोड और रोल नंबर इंटर कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से पहले इंटर साइंस व कॉमर्स के नतीजे जारी हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली आपको बता दें कि 15 जुलाई तक, ठीक है, 15 जुलाई तक जो आपका है वो साइंस और कॉमर्स का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, देखिए इंटर आर्ट्स का रिजल्ट तीसरे सप्ताह, ठीक है, थर्ड वीक में स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे फाइनली बोल दिया थर्ड वीक, ठीक है, तीसरे सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ें अगर दुरुस्त रहती है तो मैट्रिक का रिजल्ट 2 दिन में भी प्रकाशित हो सकता है, ठीक है, 2 दिन में प्रकाशित हो सकता है, मतलब फाइनल है कि आपका 10 तारीख तक प्रकाशित कर दिया जाएगा मैट्रिक का 10th का रिजल्ट। अभी मैट्रिक के साथ इंटर साइंस और कॉमर्स का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, ठीक है। आपको बता दें कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है, उसके बीच का भी स्टूडेंट प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से आपका रिजल्ट और इंटरनल प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाया जाता है, इसके लिए थोड़ी लेट हो रही है, पर आप पूरी तरह से निश्चित रहे आपका रिजल्ट है जो वो आपका 10 तारीख तक मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा और 15 तारीख के अंदर आपका साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखिए यहां पे क्या है, लॉकडाउन होने के कारण इस वर्ष बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने में विलंब हुआ, ठीक है। लॉकडाउन होने के कारण इस साल आपको पता ही होगा कितनी सारी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, और सिर्फ जैक का नहीं सीबीएसई का भी बहुत सारा प्रॉब्लम, अभी तो सीबीएसई का रिजल्ट भी नहीं निकला है, वो बहुत काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि जैक इस बार सीबीएसई का रिजल्ट से पहले अपना रिजल्ट जारी कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट आपके लिए कि अभी तक सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई है वो भी अभी तक 10th या 12th का रिजल्ट जारी नहीं किए हैं और उससे पहले जैक अपना रिजल्ट जारी कर दिए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट जिससे कि आपको जब इसका जो नोटिफिकेशन आए और तब हम आपको दे दें, और फिर फाइनली आपको एक शॉर्ट लिंक प्रोवाइड करें जिसके माध्यम से आप सिर्फ रोल कोड और रोल नंबर, जैसे हम क्लास 8 के लिए प्रोवाइड किए, सॉरी क्लास 9 के लिए प्रोवाइड किए, क्लास 11 के लिए प्रोवाइड किए, शॉर्ट लिंक प्रोवाइड किए डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट, वहां से डायरेक्टली आप रोल नंबर और रोल कोड इंटर कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, कोई झंझट भी नहीं है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।